होगा कि मतलब जैसे रिसेंटली फ़ोन लॉन्च होते हैं उनके एक डेढ़ महीने बाद उसी वही सेम फ़ोन का एक स्पेशल एडिशन आया था लाइक वन प्लस के। वन प्लस तो हर फ़ोन के साथ बेसिकली करता है, फाइव जब आया था तो स्टार वॉर्स एडिशन आया था, फिर एवेंजर्स एडिशन आया, मैकलैरन एडिशन आया, लैम्बोर्गिनी एडिशन आया, तो ये सब क्यों हो रहा है? और रियलमी भी निकाल ली ऐसे एवेंजर्स एंड गेम एडिशन, ओप्पो ने निकाला था और रियलमी ने एक अनियन गार्लिक एडिशन निकाला था, लसन। तो आखिर क्यों हो रहा है ये? इसका मेन रीज़न है एक्चुअली में कि सबसे पहले कंपनी को अपने बेचने हैं फ़ोन। तो देखो, जब आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करते हो तो इस वाले ब्रांड के जो कस्टमर्स होते हैं वो इस वाले ब्रांड के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो मतलब अब एक कोई है बहुत बड़ा एवेंजर्स फैन, ठीक है, उसको मार्केट में एक फ़ोन दिख रहा है जो पूरा एवेंजर्स एडिशन पे बेस है, उसका बैक पैनल में एवेंजर्स है और उसकी UI भी एवेंजर्स की होती है, जो अंदर आप थीम कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, वो भी एवेंजर्स वाली होती है, उसमें आइकॉन्स वगैरह लेआउट्स वगैरह सब एवेंजर्स के होते हैं। तो वो फ़ैन वो फ़ोन खरीद लेगा, ऑफकोर्स ही बात है, आप किसी चीज़ के डाई हार्ड फैन होगे तो वो ले लोगे आप। लाइक अगर कोई WWE फ़ोन आता है तो WWE के फैंस खरीद लेते हैं उसका स्पेशल। तो एक तो ये रीज़न होता है, ठीक है, सबसे बड़ा, तो जो इस कंपनी के फैंस होते हैं वो इसके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और दोनों के साथ में पार्टनरशिप होती है, वो उनका जो भी रहता हो रेवेन्यू शेयर वो हो जाता है। और जो सेकेंड रीज़न ये होता है कि मान लो आज फ़ोन लॉन्च हुआ, तो जैसे ही एक फ़ोन लॉन्च हुआ, सपोज़ कर लेते हैं कि OnePlus 8 लॉन्च हुआ है, ठीक है, OnePlus 8 आज लॉन्च हुआ है, तो जैसे ही लॉन्च होता है देखा होगा आपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स आने लगते हैं, आपको न्यूज़ मिलने लगती होगी, हम यूट्यूबर्स वीडियो बनाने लगते हैं व्यूज़ के लिए। तो उस टाइम तक तो बहुत हाइप रहती है उसकी, बट जैसे ही एक महीना हो जाता है ना, एक डेढ़ महीने के अंतराल के बाद उस पर व्यूज़ आना कम हो जाते हैं, उसके बारे में लोग बात करना बंद कर देते हैं। तो उस फ़ोन को रीलिव करने में, रीब्रांड करने में, रीसर्च में लाने के लिए स्पेशल एडिशन फ़ोन निकाले जाते हैं। लाइक आज OnePlus ने लॉन्च कर दिया OnePlus 8 अपना, ठीक है, एक महीने बहुत हाइप वगैरह रही, भाई आर्टिकल वगैरह लिखे, व्यूज़ वगैरह, यूट्यूब वीडियो वगैरह बने, बट एक महीने बाद वो फ़ोन ठप पड़ जाता है, उस पर आर्टिकल लिखना बंद हो जाते हैं, लोग सर्च करना बंद कर देते हैं उसके बारे में। तब भी उनके मन में आता है ख्याल कि यार ये जो फ़ोन बचे पड़े हुए हैं इनको निकालें कैसे, तो कहते चलो स्पेशल एडिशन फ़ोन बनाते हैं। तो वो स्पेशल एडिशन फ़ोन बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल एडिशन फ़ोन सेम प्राइस पे थे, स्पेशल एडिशन फ़ोन महंगे होते हैं, आप देख सकते हो प्राइस कंपैरिजन यहाँ पे लेफ्ट राइट में, स्पेशल एडिशन फ़ोन और नॉर्मल का डिफरेंस क्या रहता है, स्पेसिफिकेशन में। जो स्पेशल एडिशन फ़ोन होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी होती है, लाइक आपको अगर नॉर्मल फ़ोन में 6 GB मैक्स है तो इस वाले में 8 या 12 8 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, पूरा मैक्स टू मैक्स मिल जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस रहते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन सेम रहती हैं, बस रैम और स्टोरेज चेंज रहती है, वो मैक्स टू मैक्स से रहती है, ठीक है। तो ये हो तो है सेकेंड कारण कि उस फ़ोन की वापस से सर्च में लाने के लिए, वापस से उसकी रीच बढ़ाने के लिए, वापस से उसके बारे में सर्च करें, उसके लिए वो स्पेशल एडिशन फ़ोन निकालते हैं। जब स्पेशल एडिशन फ़ोन आता है तो आप वापस सर्च करने लगते हो OnePlus 8 मैकलैरन एडिशन, वो भाई बहुत तगड़ा है, ले लेते हैं चलो, तो उस फ़ोन की वापस से जान आ जाती है। तो आप देखते हो यार ये तो बहुत महंगा है पर स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी है, लेकिन जो OnePlus 8 है वो उससे 15,000 कम का है, मैं प्रॉक्स में बता रहा हूँ, तो उससे कम का है, चलो वही ले लेते हैं, तो लोग वो फ़ोन भी खरीद लेते हैं। तो ये होता है सिस्टम स्पेशल एडिशन फ़ोन्स को लाने का, बाकी और कोई मेन रीज़न नहीं है। इतना ये कंपनी आपसे प्यार नहीं करती है कि आपके ऐसे जज्बातों की केयर करें, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। तो और काफ़ी कम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे रियलमी, ओप्पो, वन प्लस यही करती है, मोस्टली हर कंपनी ने किया होता है ये काम, उनको अपने फ़ोन्स भी निकालने होते हैं जो पहले से पड़े रहते हैं फैक्ट्रीज में, और प्लस वापस से सर्च बढ़ानी होती है, वापस से उसकी वैल्यू बढ़ानी होती है फ़ोन्स की, इसीलिए ये स्टेप लिया जाता है। ऐसे मोस्टली हर कंपनी ने ही किया होता है, आप देख सकते हो एप्पल के रेड फ़ोन जो होते हैं वो होता है, वो बाद में लॉन्च करते हैं ऐसे बीच बीच में। अभी जैसे कल रात में इवेंट हुआ एप्पल का, उसने ऐसे आईफोन 12 ऐसे ठप पड़ रहा था तो पर्पल कलर लॉन्च कर दिया, पर्पल। तो अब देखते हैं, मैं सोचता हूँ एक वीडियो बना दूँ जो इवेंट हुआ था उस पर, काफ़ी तगड़ी चीज़ें लॉन्च की, आईपैड बहुत तगड़ा यार, आईमैक भी, पर अपने पास तो पैसा ही नहीं है लेने का। तो चलो बंद करते हैं इस वीडियो को, और आई थिंक आई एम बैक अगेन। मैंने यूट्यूब वगैरह कुछ क्विट नहीं किया था यार, वो अप्रैल फुल प्रैंक था बेसिकली, सब समझ भी गए थे। तो चलो यार आप बताना क्या मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँ क्या, यूट्यूब शॉर्ट्स काफ़ी तगड़ी रीच आ रही है यार, मतलब लोगों को व्यूज़ वगैरह तगड़े आ रहे हैं, तो अपन भी बनाते हैं उस पर। तो बस आज यही था कुछ आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ना पसंद आया डिसलाइक करना, कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछो, किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ कमेंट पूछो, टॉपिक्स की कमी
मतलब मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बन पाते हैं, लेट हो रहे हैं, डिले हो रहा है, बट वेरी सून लाइक बैक। और हाँ, और एक और अपडेट देना, मेरी वेबसाइट है technologyandtricks.com नाम से, जो कि अप है और मतलब अब मतलब ऐसे आ चुकी है मार्केट में 1-1.5 साल से। मैंने कभी बताया नहीं था, मैं आर्टिकल वगैरह कमेटी पोस्ट में शेयर करता रहता था, तो अब जाके चेक कर सकते हो उस पर तगड़े तगड़े न्यूज़ वगैरह, टेक वाली न्यूज़, आर्टिकल्स, ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह पर वहाँ पर देता रहता हूँ। उस पर काफ़ी एक्टिव हूँ मैं, मतलब इधर हो गया हूँ काफ़ी एक्टिव, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए, सी यू, एंड हाँ, बी सेफ प्लीज़, वियर योर मास्क ऑलवेज, अभी है नहीं बना पहन के बता देता, चलो बाय बाय।